पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जाए। परमेश्वर के पाने का जो प्राणी प्रयत्न करते हैं, दिशा ठीक न मिलने से, रास्ता ठीक न मिलने से अपनी अपनी अटकलों पर अटक जाते हैं। सदग्रंथों को ना समझकर संतों ने अपने लोक वेद के आधार से ज्ञान प्रचार कर दिया, अपनी सूझबूझ के अनुभव की पुस्तकें बनाकर ढेर सारी समाज में प्रवेश कर दी। जिज्ञासुओं ने, श्रद्धालुओं ने उनको खरीद खरीद कर परमात्मा की तलाश करनी चाहिए, परंतु ज्ञान उलट हो जाने से, विधि गलत हो जाने से प्रयत्न करके भी असफल रहे। परमात्मा के पाने का सबसे पहला तरीका, पहली कड़ी, पहला स्टेप है गुरुजी होने चाहिए। गुरुजी के बिना कोई भी साधना आपकी आध्यात्मिक मार्ग की सफल नहीं हो सकती। वैसे तो व्यवहारिक कार्यों में भी गुरु की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो परमात्मा कहते हैं गुरु वो भी होते हैं जो कोई कारीगरी सिखाता है, कोई अपनी शिक्षा के अक्षर ज्ञान कराता है, वो भी गुरु होते हैं। परंतु जो गुरु परमात्मा से मिला हुआ वो गुरु, वो वास्तव में गुरु वही होते हैं। गुरु सोहे सत ज्ञान, गुरु सोहे सत नाम सुनावे, और गुरु कोई काम न आवे। अन्य जो गुरुदेव हैं उनकी यहाँ रोजी रोटी तक ही सीमित है, और वो यहीं छोड़ जाना है, वो आगे काम नहीं आता। उसके लिए हमें आध्यात्मिक पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु पूरा ना मिलने से भी ये भक्ति करता हुआ भी प्राणी असफल रहा, जैसे आज तक पवित्र चारों वेदों को, पवित्र गीता जी को, आध्यात्मिक मार्ग की हर पुण्यात्मा स्वीकार करती है कि इन जैसा सदग्रंथ नहीं है। इनकी आड़ लेकर के, इनका सहयोग लेकर के, इनका नाम लेकर के ऋषियों ने, महर्षियों ने अपने मार्ग प्रशस्त कर दिए, और पुण्यात्माओं ने वेदों का नाम सुना के वेदों अनुसार मैं साधना बता रहा हूं, वो स्वीकार कर दिया कि वेदों के अनुसार है तो फाइनल है। अब इसमें कितने पंथ हैं, निरंकारी पंथ है, वो भी उनकी पुस्तकों में लिखा है कि हम वेदों अनुसार साधना बता रहे हैं। वेदों का प्रमाण उन्होंने अवश्य दिया है, और अन्य जितने भी संत हैं वो वेदों को सत मानते हैं और उन्हीं के अनुसार से अपने मार्ग को समर्थन देते हैं। ऋषि महर्षि कहला गए वो महापुरुष, उन्होंने भी वेदों अनुसार जैसी उनकी सूझबूझ ने काम किया, साधनाएं की, अन्य को भी मार्गदर्शन किया। लेकिन वेद क्या बताना चाहते हैं, वेदों का उद्देश्य क्या है, ये वो ऋषि और महर्षि, ये दुर्वासा जैसे महापुरुष भी नहीं समझ पाए। ये कलियुग के ऋषियों और महर्षियों की तो गिनती किसी खाते में को ना, ये तो उवा बाई बांडे, ना वेदों का ज्ञान और ना इनका कोई अपना अनुभव। उन महर्षियों ने श्री वशिष्ठ जी, जिनके श्री राम शिष्य हुए,
श्री राम को भी उन्होंने ओम नाम दिया था, क्योंकि और उस समय कोई शास्त्री नहीं था, ना कोई उपनिषद थे, ना कोई पुराण बना था। और वेदों में ओम नाम है, और वेदों के बोलने वाला प्रभु कहता है कि वो परमात्मा कोई अन्य है, उसकी साधना मैं नहीं जानता, ना वेदों में वर्णित है, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो, वही आपको मार्गदर्शन करेगा। वो तत्वदर्शी संत मिला नहीं, और ये गुत्थी तत्व ज्ञान की सुलझी नहीं, आज तक उलझी हुई थी। ये परमात्मा आए थे, परमेश्वर ने 600-550 वर्ष पहले यही प्रयत्न किया था, और वो तत्व ज्ञान जो चारों वेदों में, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में आज भी विद्यमान है, 550 वर्ष पहले परमात्मा यानी 600 वर्ष पहले प्रभु उसका ज्यों का त्यों वर्णन किया करते थे। लेकिन इन एक संस्कृत के ज्ञाता होने के कारण हमने इनको बहुत ही बड़े आचार्य मान लिया, इनको महर्षि माना, और उस तत्व ज्ञान को उस साधारण लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, साधारण सी भाषा में जो परमात्मा हमें दे गए थे उसको रिजेक्ट करवा दिया। आज भी अगर ये वेदों में समर्थन नहीं मिलता, पवित्र गीता जी सहयोग नहीं देती, 18 पुराण परमात्मा की वाणी से नहीं मिलते, तो कोई नहीं मानता कि कबीर परमात्मा है। आज विवश होना पड़ रहा है बुद्धिजीवी प्राणियों को कि सचमुच ये तत्व ज्ञान, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। वास्तविक ज्ञान ही यही है, अभी तक ज्ञान हमारे पास नहीं आया था। जिन पुण्यात्माओं ने समाचार पत्रों में लेख पढ़े हैं, उन्होंने प्रार्थना की कि हमें वो पुस्तक भेज दो, उनको मुफ्त पुस्तकें भेजी गई। अब उन्होंने पढ़ पढ़कर अपने पत्र डाले हैं, उन पत्रों को पढ़ ले आंखों से पानी ना सूख है। कोई कहता मैं 40 साल से भ्रम रहा था, कोई लिखता मैं 20 वर्ष से भटक रहा था। बुद्धिजीवी लोगों ने ये पुस्तकें मंगाई है और उनका निर्णय निकला, वो तो निकाला निकला निर्णय है। गहरी नजर गीता में परमेश्वर का सार संदेश पढ़ना पढ़ना है, निष्कर्ष तो बिल्कुल हर प्रश्न पर निकला पड़ा है। तो अब वो पश्चाताप कर रहे हैं, भगवान कितने डले डो दिए, कोई संत नहीं छोड़ा, कोई पंथ नहीं छोड़ा, सदग्रंथ बहुत पढ़े, लेकिन जो निर्णय अब मिला है ये तो ऐसे रखा जैसे उंगलियों पर गिनवा रखे नारे नारे सब्जेक्ट, उनके अध्याय, उनके प्रश्न नंबर। अब वो प्राणी परमात्मा की चाह में घूम रहे थे, रास्ता मिल गया। यही कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दीन्या हाथ। क्या कहते हैं, परमात्मा अपनी महिमा पगावे दूसरे किस न बतावे। धर्मदास, इस संसार में मैं जब आया, मुझे कोई भी परमेश्वर के बारे में जानने वाला प्राणी मेरे सामने नहीं आया। अब किसका समर्थन लूं, किसको मैं सहयोगी बनाऊं, अपनी महिमा आप पर गाऊं, आप पर सुनाऊं, आप पर सुनो। तो कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, आप पर दास बने, आप पर भगवान बने, आप पर एक परम संत बने, और आप पर एक परम भक्त का रोल किया, और आप ही एक कवि बने, गागा का अपनी महिमा आप पर गानी पड़ी। कोई दूसरा इस संसार में परमेश्वर के तत्व को जानने वाला नहीं था और ना सुनने को तैयार थे। लोकवेद क्या होता है, सुना सुनाया ज्ञान, अक्षेत्रीय ज्ञान। जैसे अभी तक ये दास हनुमान पुजारी था, लोकवेद के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर मानते थे, और इनके कोई माँ बाप नहीं, ये अजन्मा है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। इस तरह की इनकी जो दंत कथाओं के आधार पर हमने महिमा सुनी थी, इसको लोक वेद कहते हैं। कोई हनुमान पूज रहा है, कोई श्याम जी का पूजा है, किसी का अठम की पूजा है, किसी के छठ की पूजा है, कोई झाड़ो दे जाता है, कोई किताबेरी की आड़ पकड़ रखी है, इसको लोक वेद कहते हैं। जैसे दास हनुमान पुजारी था, मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा और 7 बार हनुमान चालीसा डेली कराया करता, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पाठ व्रत रखना, और साथ में फिर गीता जी का नित पाठ आनंद, वैसे रोता रहता था उसको पढ़कर गीता जी को। हालांकि गीता जी में ऐसा कोई मार्मिक शब्द नहीं है जो हृदय में
जगह बना दे। एक सीधा सा ज्ञान है और वो ज्ञान भी अनुवादकर्ताओं ने उलट सुलट कर रखा था जैसा भी, लेकिन फिर भी अंदर में प्रेरणा थी परमात्मा की, पिछली कोई कसक थी वो, तो उसको रोज पढ़ते थे। और यही मान रखा था कि गीता जी के पाठ मात्र से ही मुक्ति हो जाती है, ये लोक वेद था। ब्रह्मा विष्णु महेश को अजर अमर बता रखा था, ये लोक वेद था, वास्तविकता नहीं थी, दंत कथा थी, तो इसको लोक वेद कहते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 17-15 के मंत्र नंबर 18 में लिखा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांड में जितने मेरे अंतर्गत प्राणी हैं उन, वो चाहे जीवात्मा रूप में है चाहे सतुर शरीर रूप में है, उनसे मैं उत्तम हूँ, तगड़ा हूँ, इसलिए मुझे लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ। वो तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा दिया, बता दिया कि वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो तो कोई और प्रभु है, तो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहलाता है, वो अविनाशी वास्तव वही है। तो परमात्मा क्या कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। अब जैसे हम लोक वेद के आधार पर अपने दृढ़ होकर लगे हुए थे तो संत मिले, उस परमेश्वर तुल संत ने इस दास के ऊपर रहम किया और फिर ये सदग्रंथ देखे, सचमुच ये तो उनके ज्ञान की रोशनी में ये देखा कि सचमुच हम गलत जा रहे हैं, अब चानना हो गया, हमें मार्ग मिल गया, अंधेरे में टॉर्च मिल गई, हम गड्ढों में नहीं गिरेंगे, अब उस वे पर चलेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे जिसमें कोई रोड़ा और कंकर नहीं है, कोई गड़ा नहीं है, यानी कुपथ नहीं है, कुमार्ग नहीं है, हम सुमार्ग चलेंगे। तो अब उस रोशनी से तत्व ज्ञान के प्रकाश के अंदर हम चल रहे हैं, इस ये दीपक दे दिया। अब जैसे तो इसको कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। इस भक्ति मार्ग में, इस भक्ति के रस्ते में सतगुरु मिले, सच्चे संत मिल गए, उन्होंने ये ज्ञान रूपी एक टॉर्च दे दी, तत्व ज्ञान रूपी, अब उसके आधार से और मैं तो अपने साथ है उसके ऊपर चल रहे हैं। उसके बाद कहते हैं जय सत, अब सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। पहले तो अपना ये एक नशा हो रहा था, जिसको जरा सा सुख है, ठीक समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी कोई पोस्ट है या कोई धंधा ठीक है, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा अभिमान अहम में होता है और वो उस लोक वेद के आधार पर ये सोच बैठा होता है कि यही ज्ञान, यही रास्ता और यही एक मनुष्य जीवन का कर्तव्य होता है, यही पूजाएं होती हैं। और जब चानना होता है, रोशनी होती है, तत्व ज्ञान होता है, फिर उसको समझ में आती है या तो बात बिगड़ गई थी, ए भगवान कति बात, ये तो कति चाला पाट गया था। अब जैसे बच्चा छोटा सा होता है, उसको नहीं पता कि तो सचमुच ही गड्ढे में गिर जाएगा या बिजली के हाथ लगा दिया नंगे तार के तुझे मार डालेगी। अब जैसे अंधेरे में कोई जा रहा है, उसको नहीं पता सर्प के ऊपर पैर टेकना हो रहा था तेरा और पैर टेकते खा जाता, और जिस दिशा में हम जा रहे थे आगे बहुत भयंकर डाकू बैठे थे या कोई भयंकर पशु रहते, ये जानवर रहते थे, और किसी ने रस्ते में आकर रास्ता बता दिया कि ये ठीक नहीं मार्ग तेरा, गलत जा रहे हो, और फिर वापस आ जाओ, और फिर 10 आदमी और बताओ कि ये रास्ता तो बहुत भयंकर था, वहां तो इतने पहले मर्डर हो लिए, इस प्रकार कोई व्यक्ति मार दिया उन्हें जंगली जानवरों ने, फिर वो व्यक्ति कितना डरा करे, वो फिर बाद में सोचे हे भगवान मुझे तो बात बिगड़ गई थी, भला उस व्यक्ति का, भला उस बहन भाई का जिसने हमें रास्ता ठीक बता दिया, नहीं तो सह परिवार मर जाते। तो अब इस सत कुमार्ग पर जाने वाले शास्त्र गुरु साधना करने वाले कुमार्ग पर जा रहे हैं और उनको कोई सुमार्ग बता देता है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर उसको पता लगता और आसपास के व्यक्तियों का, क्षेत्र के व्यक्तियों से, ये तो बहुत भयंकर रास्ता था,
तुम बच कैसे गए, बहुत अच्छा समय पर तुम्हें कोई मार्ग रास्ता बताने वाला ठीक मिल गया, नहीं तो बहुत भयंकर रास्ता था, तुम तो वापस नहीं आने थे। फिर वो व्यक्ति विचार करया करे, रे तेरा गजब हो, ये भगवान कति बात बिगड़ गई थी। फिर कई दिन तक उसकी जो ना वो बात या भूल नहीं पड़ती। तो जब आप स्याने हो जाओगे और जिस कुमारक पर जा रहे थे उसके बारे वापस आकर के फिर सोचोगे, विचार करोगे कि जय ये व्यक्ति ना मिलता ये भगवान कति बात बिगड़ गई थी, अगर ये सतमार्ग नहीं मिलता तो ये दो दिन का डमडमा था। चाहे हम कितने ही उच्च पोस्ट पर थे, चाहे कितना ही हमारे पास पैसा था, फैक्ट्री थी, कुछ भी था, परंतु भविष्य कुछ भी नहीं था। यहां से जाने के बाद खाली जाते तो अब वो याद आती है वो दिन, उन बातों पर विचार करने को परमात्मा हमें कहते हैं कि ऐसे विचार करो कि जय सतगुरु मिलते नहीं। होए होए, सतगुरु के उपदेश का, सतगुरु के यानी सच्चे मार्ग के जानने वाले के उपदेश यानी उस ज्ञान का अब ईब विचार किया, जब उस मार्ग कुमार्ग से वापस आए और सुमार्ग से होने वाले लाभ और कुमार्ग में जाने वाले की जो हानि से अब हम परिचित हुए, कहते लाया एक विचार है, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सफर करते खेचा तान, उन तक देना छूटते फिर करते खेचा तान। फिर बताते हैं कि उस परमेश्वर तुल संत ने हमें सारा बाईपास निकाल दिया, जय सतगुरु मिलता नहीं तो जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सफर करते खेचा तान, जैसे पशुओं को फाटक मरो क्या करे ना, चारों तरफ से घेर कर लठ मार मार कर, और वो उसमें जाना नहीं चाहते। ऐसे ही जब नरक की तरफ हम चले, ले जाते हैं इन भक्तिहीन प्राणियों को और वहां टोड़ के टोड़ यमदूत ले लेकर लठ इसे भयंकर फरसे चमचमाते कति अग्नि मसाल और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, जब उनको नरक में ठोके ना, नरक में कोई जाकर है जी कोई ना। इस शरीर के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है, वो अलग होता है, शरीर के अंदर होता है, तो उसमें ये प्राणी इसी स्वरूप में होता है, इसका जो का तो कॉपी उसके ऊपर हो जाती है, यही रूप होता है जो का तो, उसका आकार छोटा बन जाता है, वो बड़ा भी हो सकता है कुछ उसमें ऐसी, और रिफ्लेक्ट भी हो सकता है, तो उसको उसमें दर्द ज्यादा होता है प्राणी के शरीर, शरीर के माध्यम से भी उसी को पीड़ा होती है। तो वहां जब उसने उसमें डालते नरक में, वहां फिर रिहर्सल होती है, वो वापस बाजे यम के दूध सिर में लठ मारे कितना लागो, उस शरीर में मरता नहीं प्राणी सीगर सी, और पीड़ा घनी होती है, दर्द बहुत भयंकर होता है। तो फिर उसमें नरक में खेचा तान, कहते वहां उल्टे भागे वो सिर में लठ मारते और फिर नरक में नोट होके जाते। हे भगवान पुण्यात्मा, आप अभी बालक हो कति नादान, और इस नादान ज्ञान ने हमें निर्भय कर दिया कि ना ऊपर कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कि तक कुछ नहीं, कोई ये बनावटी बातें हैं, ये महर्षि दानंद जैसे दंत कथा बनाने वाले अज्ञानियों ने सारी छुरी बदल दी, भगवान का सिद्धांत चेंज कर दिया। अब उस स्थिति में लाने में कि जो हमारे पुरुष सही बताया करते थे, वही वेदों और पवित्र गीता और पुराणों का प्रमाण है, उस स्थिति में लाने में भी समय लगेगा, नहीं तो कोई भूत नहीं होते, कोई यम के दूत नहीं होते, ये दंत कथा आपने घर बैठ कर कोई गढ़ दो, सब कुछ है जिसका नाम है पवित्र गीता में जब लिखा है, और उसको भी कोई नहीं मानता कि भूत प्रेत पितर आदि कुछ नहीं है, तो वो अज्ञानी प्राणी है, धूल में लठ मार रहा है। तो वहां यम के दूत जो ये दुर्गति आपकी करेंगे, परमात्मा कह रहे हैं, कहते उससे अब बचाव बन गया, पहले तो वहां लठ खाते नरक भोगते, उसके बाद फिर 84 लाख चारों खान में भ्रमते और कभी ना लगते पार, सो फेरा सब मिट गया भाई सतगुरु के उपकार। है, है। कितना भाई पास निकाल दिया कि उस सब झंझट मिट गया, उस परम पिता, उस परम संत के, उस सच्चे नाम ते, उस सच्चे ज्ञान ते, सत भक्ति से, और कितना राहत होगी। ओए होए, 84 लाख योनियों नरक के अंदर कष्ट, अब तो अपना दृष्टि को ना सचमुच यह बात बिगड़ गई थी, अब हमें जो ज्ञान हो गया ना, स्याणे हो गए, और अब डर लगता है
अब वो जकर करते हैं, नुखड़े दिखाई देते हैं, वो कत्ती बात बिगड़ गई थी। यो शरीर छूटने के बाद कोई साथी को ना, परमात्मा कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तो चल देगी अकेली, इस बड़े पूरे परिवार ने त्याग के जाओगा ना, जब पता चलेगा तेरे संग के जागा। और ये सपना सा टूट के वो खड़े दिखाई देंगे यम के दूत, वो नो कहेंगे आजा बेटा आजा पुत्र चल, वो आगे ना। और ये कहेगा मेरा बेटा रहेगा, मेरी बेटी रहेगी, मेरा शरीर आवाज किसी ने सुने कोई ना। उस देर पे इसकी फिर मजा लेते हैं कि ले जा तेरे बेटा बेटियां दो रखेटिया। अब वो भूत वहां घूमा घर में, कोई सुनता ना उसकी, फिर उसकी पकड़ के बाजू अब चाल सीधा नादान, ये तो जो काम करना था वो तो करा नहीं, धर्मराज के दरबार में वहां खड़े कर दिए जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार, कहते वो सारा झंझट मिट गया, वो सारा झंझट मिट गया। तो कैसे कितनी राहत मिल गई हमने, नहीं तपत सला पे जलना कोई चौरासी का बैना, रोग कटा सुमेर समान वो समान या गई तेरसे ना खांसी, रोग कटा सुमेरु समान वो समान या गई तेरसे ना खांसी, मेरे गुरु देव भगवान दियो काट काल की फांसी। नहीं तपत शिला पर जलना रह कोई चौरासी का बहना, 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे हम। रोग कटा सुमेरु समान, एक बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत है, बहुत बड़ा स्वर्ग में, कहते हैं इतना बड़ा कष्ट था अपने ऊपर, वो कष्ट वो रोग जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में भ्रमणा भटकना का, कहते हैं रोग कटा सुमेरु समान अरिया गई तृष्णा खांसी, या खांसी खस खस खटखस होया करे मेंट मेंट में, तो ये इच्छाएं न्यो कर दो न्यो कर दो न्यो नहीं हुआ, पोता ब्याह दो फलाना बना दो मकान बनाना रह गया, कहने गई वह सारी तृष्णा खांसी गई हमारी, जो देगा मालिक ठीक देगा, और कोई छोड़े को नहीं, वो तृष्णा रहेगी नहीं आपको यहाँ पर, पहले तो ज्ञान आधार हो जाएगा और फिर जो रिक्वायरमेंट होगी तुरंत पूरी हो जाएगी, फिर खांसी उठे को ना, उसका गेल दवाई है। तो इस प्रकार परमात्मा के विषय में कहा है कि वह गई तृष्णा खांसी। अब उस प्रभु के उस गुरुदेव के क्या गुणगान करूं, सात समुद्र की मसी करूं, सातों समुद्रों की इंक बना लूं और लेखनी करूं बन राय, यानी सारे इन वृक्षों की पेड़ों की पूरी पृथ्वी पर जितने पेड़ हैं और उनकी काट काट के छोटी छोटी कलम बना लूं और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं तो भी उस संत के गुण लिखे नहीं जा सकते। सातों समुद्रों की इंक भी समाप्त हो जावे, सारी कलम घिस घिस के कति खत्म हो जावे, पूरा पृथ्वी जितना कागज भी समाप्त हो जाए, उस परम पिता की महिमा सत महिमा उससे जोड़ने वाले उस संत की सतगुरु की महिमा गाई नहीं जा सकती, वो लिखी नहीं जा सकती। अब लिख कर बताओ, एक कुत्ते की जुन्नी देखो, एक कुत्ते की योनी में उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, सपरिवार गली में पड़ी रहती है कुतिया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो माँ के दूध को पी रहे हैं, माँ को भूख से कलेजा कट रहा है, ऊपर से सर्दी वर्षा हो रही है जनवरी का महीना और ये हरियाणा क्षेत्र कैर टूटा करे सर्दी का, और वो बाहर पड़ा पूरा परिवार, भूख लगी है माँ ने, बच्चे उसके उसके दूध को सतनों को काट रहे हैं, भूखे मरते हैं, और सुबह उठ के जाती है कहीं रोटी के लिए, कहीं लठ लगता है कि तक कोई टांग तोड़ दे, बुरा हाल सर्दी न्यारी पीड़ा है, ये तो एक दिन का कष्ट है। और फिर 8-10 वर्ष जो कुत्ते का जीवन होता है उसको विचार करो, और उसके बाद फिर सुअर बनना, क्या खाना कहाँ लेटना क्या, कहाँ उसकी सेज होगी, कौन सा बेड मिलेगा उसको, तब परमात्मा कहते हैं ये विचार करे तो कर्जा पैट जाए मानस का। लेकिन हम ज्यादा नशा हो गया, नशे वाले, या हम बालक घने हैं और कुछ नशा हो जाता है, ये दोनों बात बिगड़ गई।
और जब ये नशा भी उतर जाएगा, हम स्याने हो जाएंगे अर्थात ज्ञान में मैच्योर हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, फिर ये बात सारी खरी लगेगी। और फिर बैठ कर सोचना पड़ेगा तो कति बिगड़गी थी कहानी, ये प्रभु ए भगवान अब क्या गुणगान करें, कोई शब्द नहीं रहता। इसलिए परमात्मा का सबसे पहला जो स्टेप है प्रभु की तरफ चलने का, सबसे पहले गुरु होते हैं। और गुरुदेव को हम एक मानुष मान लेते हैं, परमात्मा कहते नहीं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, होए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। परमात्मा के तल गुरु को मान कर चलो आप देखो। वैसे तीन स्थिति है प्रभु के मार्ग में, एक उपास्य इष्ट होता है, एक उपासक होता है, एक बीच में मीडिएटर होता है, एक बिचौला होता है उन दोनों को मिलाने वाला। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। मैं तो कहता हूं मैं भगवान हूं, कबीर साहब कह रहे हैं, और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, हे वे भगवान, हे परमात्मा, हे बंदिश, हे ईश्वर, मेरा ये बेटा दुखी है, मेरा कोड लग रहा है, मेरी घाटा हो रहा है, मेरा ऐसे नुकसान होता है, मुझे ऐसी परेशानी है, दूर करियो, हे भगवान सुखदाता कहाँ हो दयालु। और मैं कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं, तुम कहते तुम भगवान नहीं है, मुझे तुम भगवान नहीं मानते और तुम मेरी तलाश कर रहे। इस अपने वियोग को हम दोनों के बीच में जो दीवार खड़ी कर दी काल ने इस अज्ञानता की, इसको हटाने के लिए, मुझे पहचान, मेरी पहचान कराने के लिए एक थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है, उसको गुरु कहते हैं। और वो व्यक्ति मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को फिर मेरा ही स्वरूप मानना जो मेरी महिमा सत बताता है, और उसको उसके प्रति फिर आपकी भावना वही होनी चाहिए जो परमात्मा में होती है। तो हमने परमात्मा पाने के लिए गुरु जी को भगवान मानना होगा, प्रभु मानना होगा, उसके जो के त्यों उसको सपोज करना होगा। जैसे गणित के एक सवाल में, गणित के एक प्रश्न में जो ब्याज के ब्याज आदि का होता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है, उससे पहले एक समय या दर निकालना होता है, उसके लिए सपोज करना होता है, मान लो मूलधन 100 रुपए। हालांकि 100 रुपए मूलधन नहीं होता, वो लाखों और करोड़ों में होता है। उस लाखों और करोड़ों वाले मूलधन को प्राप्त करने के लिए 100 रुपये मूलधन मानना पड़ता है, और उसका कोई विकल्प नहीं है कि वो मूलधन हमें मिल जाए ताकि हम पास हो जाएं। इसी प्रकार हमने गुरु जे गुरुदेव को भगवान मानना होगा, और तभी हम सफल होंगे। अब जब हम गुरुदेव को भगवान मानेंगे तो गुरुदेव के प्रति कैसी श्रद्धा अपनी होनी चाहिए। आपके समक्ष परमात्मा आ जाए, जैसे स्वयं परमेश्वर कबीर साहब आए थे, उसमें वो इस दास की तरह ही अपनी महिमा आप ही गाया करते थे और कहते थे पूर्ण परमात्मा का मैं नुमाइंदा आया हूं। उनसे हमें बहुत लाभ भी हुए, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं मान पाए। क्यों नहीं मान पाए? क्योंकि उनके बीच में तीसरा और नहीं था जो ये सिद्ध कर दे कि सचमुच ये भगवान है, आप ही आए थे। तो हम उनसे पूर्ण लाभ प्राप्त करते रहे, फिर भी इन अज्ञानी संतों और आम समाज में जो अज्ञान से ज्ञान भरा हुआ, अज्ञान जो भरा हुआ था, उसके आधार पर हम फिर भी उनको एक जुलाहा, एक सिद्ध पुरुष ही मानते रहे, परमात्मा नहीं माने। क्योंकि आज भी किसी की छुरी उठा के देख लो, कोई श्री राम का उपासक है, श्री कृष्ण जी का उपासक है, श्री ब्रह्मा का, श्री विष्णु का, श्री शिव का,
और चाहे कैसा भी साधक है, वो भगवान विष्णु की मूर्ति बना रखी है, कोई पूछे परमात्मा कैसा को हो तो बस अवर्णनीय है, वो तो निराकार है, उसका तो जहूर ही न्यारा है। सुनी सुनाई दंत कथाते हैं उस परमात्मा को, फिर भी हम ऐसे मानते रहे। और सारे सदगण बताते हैं परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है और वो मनुष्य दृश्य है, सदग्रंथ हमारे सामने प्रमाण करते हैं। तो आज वो परमात्मा आपके समक्ष होता और आप जैसा व्यवहार उसके साथ करते, तो आज वो दास को बैठा दिया उस परमेश्वर ने। अब वो नोटिस लेते हैं कि कौन कैसी श्रद्धा इस दास में रखता है। अगर मैं ईद के स्थान पर होता, परमात्मा इस दृष्टिकोण से सोचते हैं, देखते हैं कि यदि मैं आज इनके इसके पास इसके स्थान पर होता और ये लाभ जो हो रहे इनसे भी ज्यादा देता, और फिर भी ये ऐसा ही व्यवहार करते जो आज आप इस दास के साथ करें, तो उसके लिए परमात्मा हमें आगाह करते हैं। क्या कहते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ ने गुरु बिन पाई, राम कृष्ण बढ़ते उपर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गुरु से अधिक किसी को नहीं माने, चाहे यहां कोई जैसे कितना ही कोई सिद्ध पुरुष आ जावे, चाहे कितनी बात बनावे, अगर आपने परमात्मा कबीर साहिब से लाभ लेना है तो ये नियम आपने आजीवन निभाना होगा। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जावे और कोई आके यूं कहे मैं कबीर हूं, या स्वयं परमात्मा भी आ जावे, तो भी आपकी श्रद्धा डगमग नहीं हो कि नहीं हमें तुम्हारे भगवान गुरुदेव हैं। वैसे तो कबीर साहब परमात्मा है, लेकिन उसको पाने का तरीका यही है कि इस 100 रुपये को अपने मूलधन मानना पड़ेगा और उस 100 रुपये से वो मूलधन मिलेगा ना कति नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल इसका जो है ना दृढ़ विश्वास के साथ इस उदाहरण को अपना पल्ला गांठ लगा लेना, यानी बहुत निश्चय के साथ इसमें विश्वास करना। तो क्या कहते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई, राम कृष्ण बढ़ते उपर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण तो इस तीन लोक में सबसे बड़े मानते हो तुम, उन्होंने भी कहते हैं गुरु बनाए और गुरु की वंदना करके अपने सब कार्यों को प्रारंभ किया, अपने निज काम किए। गृह भक्ति सतगुरु की कर ही, आदि नाम निज हृदय धर ही, उस वास्तविक नाम को पूर्ण हृदय के साथ से उसका जाप करे। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु चरणों में ध्यान लगावे और गुरु जी के सामने कोई बात की कपट नहीं रखे। अगर आप गुरु के सामने भी कपट करते हो आप भक्ति योग नहीं हो, या कपट करने की क्या हो सकता है, या यही होगी कि आप बीड़ी पीते होगे नहीं बताते, तो यानी की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर तो इतना खोट है जैसे शराब पीते हो, गुटी लागी कभी या कोई धोखा पूजी करके, और हम कहें भाई तुमने कोई ऐसी गलती करी है या तो दोबारा उपदेश ले लो, अपनी गलती स्वीकार करो, आगे से नहीं करने का कसम खाओ, तो आप फिर उसमें भी करते हो, कपट रखते हो, उसको छुपाते हो, तो ये आपको लाभ कति नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा देर लग रही है आपको लाभ होने में, क्योंकि आप पूर्ण निर्मल नहीं हो पाते, आप समर्पण नहीं हो पाते, क्योंकि आपको डरा गणा रखा। इसलिए प्रथम नाम आपको इसलिए दिया जाता है कि इस पहले नाम में 4 महीने में तुम पूरी परख भी कर लो, रहना है तो रह लो, नहीं रहना हो तो फिर आपकी मर्जी, इसमें जो तोड़ फोड़ करनी सब कर लो। फिर दूसरा नाम लेने के बाद गलती करते हो ना जान के, बेवा फिर देर में बात सेट होती है। ये परमात्मा भी जानते हैं कि आपको बहुत बहुत परेशान कर रखा, घना डरा रखा अपने को, और जल्दी से वो देवता छूट कर राजी को छोड़कर नहीं प्रसन्न, प्रत्यक्ष देख भी लेते हैं उनसे लाभ भी नहीं है, फिर भी भय गणा है। तो पहला नाम आपको इसलिए दिया जाता है 4 महीने डट के करो और कति दर्द उठा के, और 4 महीना में जब आपको नहीं कुछ उबारा मिला तो अपने देवता ही पूज लियो, कुएं पड़ो फिर बेसिक, और छोड़ दियो नाम में, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद भी आप फिर गलती करते हो, फिर मालिक
आपसे प्रसंग बहुत देर तो होगा, इसलिए आप लेट होते जा रहे हो। अब एक भक्त आता है, नाम लिया साथ में ही, वो तो अपने तीन तीन सुख सुना दे चार महीनों में। अरे क्यों कहता, मन तो कुछ लाभ हुआ ना, मुझे तो कोई विशेष लाभ हुआ नहीं, कोई बात हो रही है, वही कनेक्शन है, एक ही पावर है, एक ही मेन डोरी है, और वही भगवान और वही नामदास देने वाला, आपको नहीं लाभ हो रहा है। दो ही बात हो सकती है, तो आपके ठीक है धीरे धीरे हो जाएगा, कोई घड़ी कड़ाई है और सेट होने में टाइम लग रहा होगा, और नहीं तो चार महीना में एक दो तो ऐसा उदाहरण दे देगा आप सोच नहीं सकते, जो सच्चे दिल से समर्पण करते, हम सच्चे दिल से नहीं कर पाते, इसी करके दिक्कत होती है। तो परमात्मा क्या कहते हैं, गुरु सेवा में फल सर्वस पा आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे, गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठाने, पूरे गुरु की, यहां बात बिगड़ रही है। अब गुरुओं की गिनती को ना, और ज्ञान किसी को है नहीं, तो भोली आत्मा इनको गुरु मानकर इनको वही उसी दृष्टिकोण से समर्पण है जैसा गुरु के प्रति होना चाहिए, पर ये गुरु नहीं थे, क्योंकि इन गुरुओं को अभी तक ज्ञान ही नहीं था। पवित्र गीता जी क्या कह रही है, वेद क्या पवित्र वेद क्या बताते हैं, पवित्र पुराण क्या बता रहे हैं, उनके विरुद्ध ज्ञान दे रहे थे, और हम इनको गुरु मान रहे थे, इनको ऋषि और महर्षि की पदवी प्राप्त थी। तो यहां बात बिगड़ रही है, क्या कहते हैं, गुरु वचन निश्चय कर मन, पूरे गुरु की सेवा ठाने, गुरु की शरणा लीजे भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई, गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न हो मिले अविनाशी। ओए होए, गुरु कृपा ते या काल की फांसी कटेगी, और कति देर ना लागे भगवान वो अविनाशी प्रभु मिल जाएगा। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था वो छड़े किसाना। अभी तक ये तत्व ज्ञान गीता जी का रहस्य किसी के पास नहीं था, तो वो गुरु नहीं थे। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थो था वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेद पढ़े वो कभी नहीं सार समझ सकता, अज्ञानी रहता था रह जाता है। अब ये महर्षि दयानंद जैसे विद्वान का आगे महर्षि कह लागे, वेदों का उस जैसा ज्ञाता नहीं था, और महर्षि दयानंद ने वेदों के बारे में कह कह का ज्ञान नहीं। अब यहां है कि गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, और समझे ना सार रह अज्ञानी, अज्ञानी के अज्ञानी रहेंगे। तो यहां बात बिगड़ी हुई है। तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा, नौ नाथ चौरासी सिद्धा, गुरु के जन से वह गोविंदा, गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सैंस गर्भ सुरहावे, गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या हो कदे ना फल ही। गुरु जी के बिना कोई दान कहीं आप करते हो व्यर्थ है, कभी नहीं फलेगा। गुरु के मिले कटे गुरु बिन भरम ना छूटे भाई, कोट उपाय करो चतुराई, गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिट संतापा, गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर दीजे, गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहो समोई। जो मेरे संत के प्रति जितना समर्पण होगा, जो मेरे गुरु का मेरे भेजे हुए संत का जो सेवक होगा भक्त होगा, उसकी आत्मा में मैं समाया रहूंगा। अब जो पुण्यात्मा सच्चे दिल से लग रही है, परमात्मा आपके अंदर आपकी शक्ति प्रवेश करता है, अपने आपके अंदर वो अपनी रजा बख्शता है, जिसके कारण आप में तड़फ बनती रहती है। कई भक्त बहन भाई तो कहते हैं, यहाँ से जाते हैं ना अगली पुण्यवासी गिनते हैं, कई दिन और रह गए, उंगलियों पर गिनते हैं, सौ सौ शुक्र मनाते हैं, ये परमात्मा कोई काल वादा ना कर दे, कोई काम ईसा ना अड़ जा, ना जान पाए। तो ये हृदय में परमात्मा समा रहा है आपके, और वही अंदर से उमंग देता है, वो आपके आगे जो आंट आती है उनको भी हटाता है, और आपकी श्रद्धा ज्यादा बढ़ाता है, दो पैसे का प्रबंध भी करता है। गुरु भक्ता मम आत्म होई, वाके हृदय रहूं समोई, उसके हृदय में समाया रहूंगा, और फिर वो अपने सत्संग की तरफ ज्यादा लगन लगाएगा। अड़सठ तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणा पावे, दसवां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे।
अपनी इनकम, अपनी जो सेविंग का, जो बचत का दसवां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर दीजिए। अब इतनी हिम्मत मारे पोती को ना, और हम इस करके थोड़े से ढीले रह जाते हैं। अब परमात्मा कहते हैं, चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न गट्यो नीर, दान दिए धन गड्ढे नहीं, यो कह रहे साहब कबीर। लेकिन कुपात्र को नहीं, सुपात्र को, कुपात्र को दिया दान व्यर्थ है। वो नकली गुरुओं को दिया हुआ दान भी कोई लाभ नहीं होता, पूर्ण संत और फिर दान दे कर देखो। कहते हैं जब दान दे तो धन घट जा, कहते बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं अपनी मोहर लगा रही हूं परमात्मा ने, दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब। दसवां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे, गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माहे रही जे। गुरु की आज्ञा के बिना ना क्षेत्र हवन करवावे, ना कोई अपना पाठ करवावे, कुछ नहीं करे, अपने मालिक के अनुसार ही चलने से लाभ होता है। गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे शरण मुक्ति परवाना। गुरु सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष, देवताओं का पेड़, स्वर्ग में कल्पतरु होता है। कहते हैं वहां जो इच्छा करें उसी से में वो खान पान, वही वस्तु उसको उपलब्ध हो जाती है। जैसे ऐसा समझ लो जैसे रेस्टोरेंट में रहते हैं, बैल दबा दी, चाय की दबा दी, चाय आला लेकर आ जाएगा, भोजन चाहिए भोजन दबा दो, और कमी चाहिए और दूसरी लिखी होती है उन बैलों पे, तो ऐसा कहते हैं। लेकिन होती उनकी कमाई ही है, फिर भी कहते हैं वो आज यहाँ पर सदगुरु जो पूर्ण संत हैं, वो सुर तुरु समझ लेना, वहां जो भी पुकार करोगे मैं वही तेरे पास भेज दूंगा, लेकिन भेजूंगा उसी के माध्यम से। जब थ्रो प्रॉपर चैनल नहीं आओगे इतना बात बड़ा कोई ना। गुरु सुरतरु माने देवताओं का वृक्ष, कल्प वृक्ष, और सुर धेनु वो काम धेनु जो मनोकामना पूर्ण करती है, सारे खाद्य पदार्थ जो मांगो वही उपलब्ध करा देती है। कहते वो सारे गुण पूर्ण संत के अंदर विद्यमान होते हैं। गुरु सुर तुरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना, तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से देव। तन मन धन समर्पण करके और तब परमात्मा गुरुदेव की सेवा करे, उपदेश लेवे। अब क्या होता है, कहते हैं शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस देवे, गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य का कछु ना लेवे। अब जो परम संत संत होगा वो कुछ नहीं मांगेगा आपसे, ना नूकेगा तो 10 रुपये दे दे, और आपके मन में ये रह के एक बार कह, एक बार कभी दया करें परमात्मा, न्यू कह दे, न्यू कर दे, और शीश भी दे दो अपने भगवान, इतनी ही रखनी है। ये भावना बनाने का एक तरीका है। गुरु नहीं मांगेगा कभी भी, आज तक इतने दिन हो गए दास ने, 10-11 वर्ष हो गए उपदेश देते ने, किसी ते आज तक यूं नहीं कहा 10 रुपये दे देना, और किसी चीज की कमी परमात्मा नहीं छोड़ता, क्योंकि अपने बच्चों को इतना सुख दे दिया। ये न सोचे भगवान ना जाने के तक खवा जा, के उड़ा जा, के परा जा, क्या कितना दान कर दे, इतनी उमंग उठा पाप। तो गुरु नहीं मांगा करते, अरे फिर आपके मन में खोट क्यों रहे कि गुरु जी को ना कुछ समर्पण कर दे। तन मन शीश सब त्यार रखे परमात्मा का, दिया आदेश दे, एक आज्ञा दे धरे उनके आगे। तो क्या कहते हैं, तन मन धन अर्प गुरु सेवे, हो गलतान उपदेश से ही लेवे, सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। चाहे आपने कोई क्रिया जो साधना पहले करते थे, जैसा भी करते थे आपने, चाहे अच्छी भी लगे, लेकिन नहीं, जो सतगुरु ने विधि बता दी उसको हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। चाहे कुछ भी आपको अच्छा लगता है, किसी प्रकार से अपना अभ्यास अच्छा लगता है, वो नहीं करना जो गुरुदेव ने कहा वही करना है। गुरु के समुख वचन ना कह है, सोशिश रहनी गहनी सिख ले। गुरु के सामने कोई भी ऐसा विरोधात्मक प्रसन्न नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए।
क्योंकि गुरुजी से ज्यादा आप नहीं जान सकते और ना ही आप में वो इतनी बुद्धि होती, चाहे आपको वो गलत भी लग रहा है गुरुदेव का तो भी समर्पण हो। हाँ, जय जो सतगुरु कहे वो सत्य, हम इतना नहीं जान सकते और ऐसा ही होता है। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवा ही नरक में जाई, शिष्य होए सर्वस नहीं हुआ रे, ही है कपट मुख प्रीत उचारे। शिष्य होकर समर्पण नहीं, ऊपर तो मीठा बोला अंदर ते खोट रखे, सो जीव कैसे लोक सिधाही, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। जब तक आपको आप गुरु से नहीं मिल लोगे, मिलना मीन समर्पण एक ही भाव गुरु के प्रति नहीं हो जाएगा, तब तक आप नहीं मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कैसे गुरु जी क्या मांगते हैं, एक गुरुदेव के शिष्य थे, उन्होंने शिक्षा देते थे भाई गुरु जी की बात को अवहेलना नहीं करते, वही शिष्य पार हुआ करते हैं। गुरु जी चाहे कुछ भी कहे, आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जी को बच्चों को रोज शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को। एक दिन गुरु जी कहता है, 5-7 शिष्य बैठे थे यही शिक्षा देने के उपरांत, कहता है भाई गुरु के वचन जो अवहेलना करता है वो प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकता। कुछ देर मौन रहकर कहता है भाई बच्चों एक मेरी आज्ञा उसका पालन करो। बोलो गुरुदेव कि मेरे सिर में 5-5 जूते ठोको, मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। अब सबके हाथ ढीले हो गए, अभी गुरु जी के सिर में जूते कैसे मारे, गुरु की तरफ तो, गुरु जी की तरफ तो तेज दृष्टि से देखना भी फाउल होता है। अब सारे नीचे नमो कर दिया, भाई आज धर्म संकट में फंस गया, आज्ञा का पालन ना करे तो मर गए, करें तो बात कती बिगड़गी। एक सेवक उठा, अपना जूता निकाल के बैठ के सतगुरु के चरणों में और अपने सिर में पट पट 5 ठोके, 5 मारे। तब गुरु जी बोला भाई डंडी मत मारे, मैंने मेरे सिर में कहा तेरे में नहीं। तो कहने लगा है परमात्मा ये दास का शीश भी तो आप ही का तो है, तो ये विवेक भी चाहिए थोड़ा सा मैंने अपने अंदर। कहने लगे प्रभु ये तो आप ही का तो है, दास का तो है ही नहीं, सीने से लगाया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कि गुरु जी क्या मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते, पर शिष्य ने ढील नहीं करनी चाहिए। जो शिष्य होए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे, सो जीव कैसे लोक सिदाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। जब आपका एक भाव गुरुदेव में नहीं हो जाएगा तब तक तो मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप गुरु इसको भगवान नहीं मानोगे, आप में वो समर्पण नहीं हो सकता। तो ये रिहर्सल होगी आपकी जब यहां से चलोगे, जब आप जाओगे त्रिकुटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा आएंगे। और जैसी भावना, जैसा लगाओ, जैसा आपकी यहाँ पर मन में वृत्ति है, जैसे आपकी प्रक्रिया है, गुरु जी हमें प्रणाम करने दिल करता है कि नहीं करता है, कि देख हम देखा करते हो या कोई वैसे कोई और भी, तो वही जो की तो रिहर्सल वहां स्वपन सा होगा। ये तो एक रिहर्सल है, वो फाइनल मैच है, ये तो एक वैसे आपस में टीम खेल जा रहे ना, वो रिहर्सल है। अरे वहां फाइनल मैच है, जैसा खेल यहाँ खेलोगे वही वहां पर उसका, वैसा ही वहां अप्लीकेबल होगा, वैसा ही खेल वहां बन जाएगा। तो उसके लिए ये रिहर्सल कराई जा रही है कि बिन गुरु मिले मोहे ना, सो जीव कैसे लोक सिधाई, ही बिन गुरु मिले मोहे ना पाई, गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट से सजो राखे है, यम राजा के मुगदर चाखे। जो गुरु से कपट करता है कहते यम के दूत मोगरे मारेंगे, गुरु जी उनको स्वीकार, मैं स्वीकार नहीं करूंगा परमात्मा कह रहे। जो जन गुरु की निंदा कर ही, शुक्र स्वान गर्भ में पढ़ ही, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो कर ही, परिवार सहित नरक में पढ़ी। परम संत की जो निंदा करते हैं या सुनते हैं, सुनना कैसे होता है, जैसे आप बस में जा रहे हो और अनजान व्यक्ति इस दास के विषय में ना जाने क्या क्या आप शब्द भी बोलेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं, अनजान है, उनको बिल्कुल पता नहीं। और अगर हम उनके स्थान पर होते, ऐसे लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, तो शायद हम भी यही बोल देते, कोई दोष नहीं।
और वो कहें आपके गुरुदेव के बारे में वो ऐसा है, वो दुनिया को लूटता है, वो ठग है, फलाना है, और आपके मन में यूं आ जाती है भी इतने इतने जने कह रहे हैं शायद ऐसा हो, तो आपने वह निंदा सुन ली, और आपके मन में ये नहीं आता और आप कहते ये के जाने नादान हमारे गुरुदेव के बारे में, हम वहां डेली जाते हैं और ये सुनी सुनाई कह रहे हैं, आपके मन में भी नहीं आवा कि सत्य कह रहे हैं, लड़े भी नहीं उनसे और कोई बात भी नहीं कर, कोई बात नहीं कहते रहेंगे, लेकिन और बोले तो प्यार से समझावा उनको, कह भाई तुम नहीं, आप नहीं जानते, हम कोई बालक नहीं, नादान नहीं, हम तो रोज जावे यानी महीने 20 दिन में जा ही रहे हैं, आपने जाकर भी ना देखा, आपको नहीं पता, और वो ज्यादा बकवाद करते हैं फिर उस उनकी नहीं सुने, अपने मन में खोट नहीं आवे तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी, वो निंदा आपने सुनी नहीं, और सुनकर आपके मन में खोट आ जाता है भी ऐसा भी हो सकता है, वो आपने सुन ली, उनका से फिर काम बिगड़ जाता है, और अपने मुख फिर समर्थन कर दे, निंदा कर दे गुरुदेव की, कहते हैं परिवार सहित नरक में पड़ी, क्योंकि घर बैठ कर फिर वो बकवाद गड़ेगा, बच्चा का भी भाव बदल जाएगा, फिर सारे नरकाहारी हो जाएंगे, इस प्रकार इसमें सावधानी घनी रखनी पड़ेगी, ये फाउल पॉइंट बताए जा रहे हैं। अपने मुख निंदा जो कर ही परिवार सहित नरक में पड़ ही, गुरु को तज भज जो आना तापसुआ को फोकट जाना, एक बहुत बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही आवश्यक एक पॉइंट है, इसको नियम है, इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनना, इसका बहुत अप्लीकेबल करना, जैसे अब तक क्या बिजली गिरती रही कि जैसे एक कमाल नाम का बच्चा 13 वर्ष की आयु का मृत्यु होगी थी, घर वालों ने तो जल प्रवाह कर दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था परमात्मा ने, वो पिछले जन्म में कमाली की तरह कभी सतगुरु के चरणों में रही थी वो आत्मा, और 5-4 वर्ष ऐसे साधना कर कांडी पाक गया था, यानी गुरुद्रोही नहीं हुआ था परंतु मार्ग त्याग गया था, ऐसे ही फिर परमात्मा ने वो 3-4 वर्ष भ्रम भटक लिया था जन्मों में, फिर वो फिर उस आत्मा पर फिर रहम कर दी और फिर वापस उस कारण बना के शेख तकी का और वो जीवित कर दिया था, तो उस लड़के को अपने बच्चे की तरह रखा, ज्ञान दिया और वो कमाल फिर अंडी पा किया, 10 प्रशंसक हो गए, भाई कमाल तो कमाल ला पड़ा है, ओहो गुरुदेव जैसा ज्ञान करता है तो भाई कमाल कर दिया कमाल, क्योंकि सतगुरु जवान लड़का था वो ज्ञान 10-12 वर्ष सुना, उसका कंठस्थ याद हो गया, सतगुरु की वाणी होगी, बड़ी आवाज थी, और 64 लाख शिष्य हो गए थे उस समय, 10-5 हजार उसके समर्थक हो गए, वो अंडी पा गया, सतगुरु ने बहुत समझाया कि मैं अपना कर्म बना ले, क्यों कर्म फोड़े तू, और जो सतगुरु गुरु को तजे बजे जो आना, अपने प्रभु से अलग दूसरे में जो तेरी आस्था होगी, चाहे कोई दान कर रहा है, दान कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, कोई बैठा भजन कर रहा है माला फिर हो भाई हो तो भाई सारी रात भजन करता, वो अपने लिए करार, तू उसका प्रशंसक बन गए, तो आपको आप उसके भगत हो गए, उसको भज रहे हो, उसको याद कर रहे हो, उसका समर्थन कर रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, कोई दान कर रहा है भाई हो यू तो भाई कमाल कर दिया बड़ा दानी, और आप तो दान नहीं हो रही, या तो उसकी रीस करो तो अच्छी करो, अगर वो भजन करता दिखा भी मंत्र ले लो माला शुरू कर दे तो अच्छा, और उसी के प्रशंसक हो जाना, ये गुरु को तजे भजे जो आना, मान ले कोई 4 बातें यहां से सीख के इस ज्ञान को, और कोई आपको बताने लग जाए यहां बैठ कर, आपके मन में यूं आ जाए चाड़ा फैट दिया ओ हो यो तो भाई कमाल हो गया, आप उसको भज रहे हो, आपके मन में यह ये ज्ञान भी सतगुरु का दिया हुआ है, ये हमें भी पता है, इसको थोड़ा सा बोलना ठीक आ रहा है, समझा ठीक रहा, बस इतनी सी बात है, ये दास भी नहीं अपना कहता कि मैंने यो रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, ये तो पहले परमात्मा हमें दे गया था और दास तो उसका जो क्या तू आपके सामने भेज रहा बता के बस, और ये अहम आ जाएगा फिर जिस दिन न्यू हो गया कि मैंने न्यू कर दिया, तो जिस दिन न्यू आ गया कि मैंने कर दिया और आपने न्यू आ गया कि यू बहुत बढ़िया है, गुरुदेव से अलग आपकी आस्था अटकी तो आपका आप उसका भजन कर रहे हो, तो गुरु को तजे भजे जो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना, उस गुरु को अपने सदगुरु के अतिरिक्त आप किसी को रास्ता बनाते हो, किसी के
वो चार शब्द अच्छे सीख गान लाग जाएंगे, पर तेरे बंडेले पैदा हो जाएंगे थोड़े से दिन, और इस बालक को लेकर के अपने अपनी प्रभुता जनाने वाले भी बहुत हो जाएंगे। रात के उनमेन्यू आगे को हुए तो भाई कमाल करे, बहुत अच्छा ज्ञान प्रचार करता, नहीं मन में बुरा भी नहीं लगे, लेकिन सतगुरु से अधिक किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मन में सतगुरु से अधिक अपने गुरुदेव से अलग नहीं होना चाहिए। तो गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना, उस पशु को कोई ज्ञान नहीं जो गुरु के अतिरिक्त किसी और में श्रद्धा करता है किसी पॉइंट पे, चाहे कोई झाड़ा लानिया आ जाओ या कोई नौके उड़ा जाते ना, बस जत्य भगवान दिखा दे आंख बंद करके, और जब उसमें जरा सी श्रद्धा होगी तो आपका काम गया। गुरु को तजय बजे जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना, गुरु से बैर कर ऐसे से जोई ही भजन नास और बहुत बिगोई, पीढ़ी सहित नरक में पढ़ी गुरु आज्ञा से लोप जो कर ही। गुरु की आज्ञा का जो अवहेलन करता है वो बहुत हानि उठाता है। चेला अथवा उपासक होई गुरु सम्मुख दे झूठ संजोई, निश्चय नरक पड़े से सोई वेद पुराण भागत सब कोई, सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे तें सकल निवारे, मुख पर वचन करे परमाना घर पर जाकर कर विज्ञाना, जान जावे ता निंदा कर ही सोशस घोर नरक में पड़ी क्रोध अग्नि में जर ही, शस हो सोशस सम्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे ते सकल निवारे, सामने ता हाँ जी करे और घर पर जाकर न कोई नू के जरूरत थी गुरु जी वहां से बनाने की, क्या जरूरत थी गुरु जी वहां से चीज लाने की, क्या जरूरत थी वहां पर दो माइक रखने की, कहते वहां तो हाजी हाजी करे ग्रह जाकर विज्ञान लड़ाओ उसमें, कहते वो भक्त नहीं वो तो मूर्ख आदमी है। तो जो सतगुरु जो कर रहे हैं उसके बाप के मन में भी ये नहीं आना चाहिए, यहां से नहीं होना चाहिए था, यहां से नहीं होना चाहिए था, तो ये भी आप में खोट है। यानी इन सब से हटकर एक निर्मल होकर प्रभु के चरणों में समर्पण करके चलना होगा, तब निर्बाध भक्ति बनेगी। ऐसे शिष को ठाहर नाही गुरु विमुख लोचत मन माही, वेद पुराण कहें सब साखी साखी शब्द सब यों बाकी, मानुष जन्म पाया कर खोवे है सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। परम संत से विमुख जो हो गया सतमार्ग को त्याग गया बकवादान अपनी बकवादों के कारण, कहते युग युग रोएगा वो युग युग, फिर ना जाने कब फिर जो गुरुद्रोही हो गए उनको तो ठिकाना है कोनी, वो तो सीधे गए नरक में। ये मनुष्य जीवन पूरा करने के बाद कई युगों तक उनको कोई हजार युगों तक मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, और बाकी जो वैसे चले जाएंगे दो चार मनुष्य जन्म के इस पुण्य से हो भी जाएंगे तो फिर 84 में चौकस जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं वेद मानुष जन्म पाए कर खोवे सतगुरु विमुखा युग युग रोवे। और जो गुरुद्रोही हो जाते हैं वो कौन होते हैं, गुरु जी का मार्ग भी त्याग जाते हैं, फिर जगह जगह निंदा करते हैं, आप न्यारा ढोल रख लेते हैं अपनी न्यारी चौधर बनाकर नाम जैन लग जाते हैं, और गुरुदेव की पहले वो तो अपने संत की निंदा करते हैं परम संत की, बाकी निंदा तो वो फिर गुरुद्रोही हो जाते हैं। इब आम 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 संत जो संत नहीं उन्होंने त्याग देने में कोई पाप नहीं, लेकिन बुराई उनकी पर्सनल जातीय बुराई नहीं करे, वो लुटेरा है वो चोर है वो ठग है वो गुंडा, ये बुराई आपके शब्द नहीं निकलने चाहिए कभी भी। हाँ उनका मार्ग गलत है, कम तुलनात्मक उनका मार्ग गलत है, भक्ति ठीक नहीं, वो बिल्कुल सरेआम कह सकते हैं, वो निंदा नहीं होती, सत्य कहना निंदा नहीं होती। और यहाँ जो मार्ग है इसमें भी कोई अपनी कमजोरी के कारण दूर जाता है, फिर वो मार्ग से भ्रष्ट तो हो ही गया, फिर ऊपर तक बुराई करता है, और फिर अलग से फिर आप भी नाम नूम देन लाग जा मैं कर दू नो कर दू वो क्या जाने, तो वो गुरुद्रोही हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो गुरुदेव के विषय में अब शब्द या गलत बोलता है उसको ज्ञान नहीं है, या कोई और बुराई निकाल कर बात करता है वो गुरुद्रोही है, उसके तो संग करना पाप है। चाहे घर में भी व्यक्ति क्यों नहीं है भक्ति मार्ग की बात उस तक करे नहीं, चाहे ठीक है अपना भाई बहन है चाचा ताऊ है उससे बुरा उसे नफरत नहीं उस दृष्टिकोण से,
लेकिन भक्ति मार्ग की बात करे तो मुंह पात रख ले, काना भोंगड़ी उठ कर चला जाओ, उसकी नहीं सुने और बतला ले गर्भद की जो तेने बातें करनी है, पर ये विचार हमारे सामने व्यक्त मत करना। उसके लिए क्या कहते हैं, गरीब गुरुद्रोही की पैड़े पर जय पग आवे वीर, चौरासी निश्चय पड़े नो सतगुरु कहें कबीर। गुरुद्रोही की पैड़ पर पैड़ टेक देना, टेकना उसकी हाँ में हाँ मिला देना, नो नहीं वो रिश्तेदार है उसके पाँ पाँ टेक गया तो वो नहीं दिक्कत है, उसकी हाँ में हाँ मिला देना, उसकी बातों को सुन लेना, उसके पास बैठ जाना, ये महापाप का बागी प्राणी हो जाता है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।